की खूब खिचाई। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। अंधेरा दूर चला जाएगा, उजाला पास तेरे आएगा। जनता के लिए क्या लाया है? नई नई जानकारी सर। जैसे जैसे आलू गेहूं की तरह कैसे उगाएं, 72 डिजाइनों वाला स्वेटर सर्दी में बुनना शुरू करें, गर्मी में पहने, केवल 2 दिन और 3 रातों में आसमान के सारे तारे गिने, मरने से केवल 2 दिन पहले अपने भविष्य का सुंदर हाल जानिए, कबर की साइज का मुर्दा कैसे तैयार करें, बिना सिलाई मशीन के जेब और गला काटने की नई टेक्निक सीखे, सरकार के खर्चे पर आगरा की सैर करें, रहना खाना मुफ्त। और बताओ उस्ताद। नहीं चमूरी, बस रहने दे, हम इस गांव में नए नए आए हैं और पता नहीं यहाँ कोई डॉक्टर है भी कि नहीं। लेकिन उस्ताद मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पागल अपने आप को यही कहता है। उस्ताद धीरे बोलो, जनता कहेगी ये तो पागल का भी उस्ताद निकला। नहीं, जनता कहेगी उस्ताद पागल नहीं निकला। ओके उस्ताद, मजाक खत्म, काम शुरू। ठीक है, हम अपनी नई कहानी करते हैं इसी गांव के नाम शुरू। फिर से एक बार अपनी कंपनी का नाम बताओ। ऑल अमेरिका इंश्योरेंस। ऑल अमेरिका इंश्योरेंस, जबानी में गांठ पड़ जावे तुम्हारी कंपनी का नाम लेते लेते। आप अपनी सहूलियत के लिए इसे आई कह सकते हैं। आई कहो या ताई कहो, है तो बीमा कंपनी ना, मैं तो वहां से मतलब है और क्या? अमेरिका की बीमा कंपनी। जी मैं कह रहा था कि आप लोग तैयार हैं हमारी पॉलिसी लेने के लिए? भाई देखो, ऐसा ना है कि हमें आप पर विश्वास ना है, पर एक बार तो सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल। शुरू शुरू में तो आपको सिर्फ 200 रुपए देने होंगे। बात 200 की ना है, बात है कि वह 200 के बदले हमें मिलेगा क्या? नू तो बताओ। देखिए मैं आपको फिर समझा देता हूँ, शुरू शुरू में आपको 200 रुपए देने होंगे, और अगर आप मर जाते हो बकवास। मेरा मतलब है कि अगर भगवान ना करे आपको कुछ हो जाता है, उसके एवज में आपके परिवार वालों को 5 लाख रुपए मिल जाए। और तो और आपकी बीमारी शिमारी पे भी जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी देगी। और अगर आप 400 रुपए में अपने पूरे खानदान परिवार का बीमा करवा लेते हैं, तो आपके परिवार वालों को अगर कुछ भी हो जाता है किसी भी सदस्य को, तो उसके एवज में आपको 5 लाख रुपए मिलेगा, और तो और उनकी बीमारियों को खर्च भी कंपनी भरेगी। भी लागू होता है। समझे? समझ गए? समझ तो गया, मैं तो पूरा समझ गया, ताऊ थोड़ा थोड़ा समझा। ना मैं भी समझ रहा है। भाई एक बात तो बताओ, मान लो तुम 200 रुपए ले गए और फिर लौट कहीं ना आए तो? देखिए अगर हम 200-400 रुपए आपसे ले लेते हैं, आपका क्या बिगड़ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? कोई शंका तो पूछ लो। हमने पूछ ली। अजी अजी, ये शंका है, ये भी कोई शंका है, ये तो आपकी बहुत छोटी सी लघु शंका है, और इस लघु शंका को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1200 रुपए का 6 महीने का एक एडवांस चेक दे देंगे। और अगर मान लीजिए अगर हम 200 या 400 रुपए लेके भाग भी जाते हैं, फिर भी आप 6 महीने के बाद 1200 रुपए कमा लेंगे। कौन से बैंक का चेक दोगे जी? स्विस बैंक। तो नू बताओ कि 200 रुपए के बदले 1200 रुपए फंसा के अमेरिका को क्या मिलेगा? ताऊ यो इंटरनेशनल बिजनेस है, तू ना समझेगा। बिल्कुल सही जयमल भाई, चले। हाँ यस, आप लोग दोबारा बुला लीजिएगा हमें जब भी। सुनो सुनो, बैठो बैठो, ऐसा है जी हमारा बीमा कर दो। आपका या पूरी फैमिली का? ऐसा कर लीजिए, पहले आप अपना ही कर लीजिए। फ्री स्टाइल आदमी है, पूरे परिवार का कर दो जी। और जी ताऊ जी आपका? जब जयमल पूरे परिवार का करा लेगा तो हम भी पूरे परिवार का ही करा। आपका नाम? लिखो जी, जयमल सिंह। जयमल सिंह। और आपका? जी बदलू कहने वैसे तो प्यार से, पर पटवारी के खाते में बादल सिंह लिखा। बादल सिंह, व्हाट अ नेम, एक्सलेंट। ये रहे आपके चेक। अरे इस वक्त क्यों आंखें न फोड़न लग रही है, सुबह टांग दीजो। सुबह से सोच रही थी कि तुम्हारी कमीज में बटन टांग दूं, अब समय मिला है। अब समय मिला तो 2 घड़ी हमारी गैल बैठ, वो गानो ना है।
घड़ी वो जो पास आ बैठे टा 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 सुर भी गड़बड़ कह रहे हैं। तेरे से एक बात कहनी है। कैसी बात? मैंने है ना अपना तेरा जिन्नी और ननकू को बीमा करवा दियो। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। पूछ किससे करवाया? किससे? तेज पूछ। किससे? इतनी तेज मत, वो जबान निकल रही है तेरी। अमरीका से। अमरीका से? क्या सिस्टम है रो अमरीका को भी। पर अमरीका हमारे देश के लोगों का क्यों? पर अमरीका इंडिया का छूना है तो मैं अमरीका की पेप्सी और कोका कोला ना पीती तू। पैसे दे दिए तुमने? और पूरे 400 दिए। पर एक बात है, तुम अनपढ़ की अनपढ़ रहोगी और कुछ समझ में ना आता, टर टर करती रह रहे है ना। कंपनी तुम्हारी तरियो ना है। अरे मुझे है ना 6 महीने का एडवांस दे दियो, स्विस बैंक का चेक दे रखो है 2400 रुपए का। स्विस बैंक? अब देख अमरीकों को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। हर दूसरे चौथे दिन किसी न किसी को बीमार करके डॉक्टर साहब से ये लंबा बिल बनवा के कंपनी के माथे पे चेप दूंगा फिल्म के पोस्टर की तरह। और सबूत मांगेंगे तो तुझे आगे खड़ी कर दूंगा। जन्मजात बीमार लगे है तू। वही मरण वाली भी लगे है। हर महीने 400 से 800 तो बनाऊंगा ही बनवाऊंगा। एक बार मार्ट साहब से तो पूछ ले। चुप करना। मैं शहर से पूछ लेती। अरे 7:30 दर जाए ना भांग पी के पास ना की हमने। चलो तुमने जो किया अच्छा ही किया होगा। और खाना लगा दूं? ना चाचा के यहाँ से चिकन तोड़ के आ रहा हूँ। अब तो बस लंबी तान के सोऊंगा। रचल उड़ जा रे पंछी ये दे ना भाई। अभी अभी मत उड़, अभी मत उड़, अभी मत उड़। सुन अरे स्विस बैंक का चेक धर दे ताला में बंद करके है ना। ध्यान से ताला अच्छी तरह देख लीजो। अब देख के पड़े रैया जैसे ना 15वीं 16वीं कौन कौन सी जमात पास करके धरवा बक्से के अंदर। भाई CWICC स्विस PANC बैंक। स्विस तो ऐसे होना चाहिए। और बैंक में तो क्या होता है? देख तू 10वीं पास है माना, पर तेरा बर तो सिर्फ 7वीं पास है। और कोई भी मर्द अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी औरत को बर्दाश्त ना कर सके है। देख अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। तू अपने आप को अनपढ़ जाहिर करेगी और उसे 7वीं पास का दर्जा देगी, तभी जीवन की गाड़ी ठीक चलेगी। वैसे भी गांव में क्या काम आएगी पढ़ाई लिखाई? अरे सिर्फ हमें चिट्ठी पत्र कभी कभार छुप छुपा के लिख दिया करना। आई तो गई। और स्विस बैंक का क्या हुआ उस्ताद? स्विस बैंक का हो गया क्विक बैंक। और उस्ताद BANC बैंक तो कभी नहीं सुना? BANC बैंक नहीं, भैंस होता है जमुरी। समझ गया उस्ताद, यानी काला अक्षर भैंस बराबर। लेकिन उस्ताद एक बात समझ में नहीं आई। बोल जमुरा बोल। जैमल तो पढ़ा लिखा था, ज्ञान से ज्यादा उसको अभिमान था। बालक गए स्कूल? हाँ। एक बालकन की पढ़ाई का ख्याल रखा कर जरा। अब मैं अनपढ़ क्या? अरे बार बार याद मत दिला कर मुझे। मैं अनपढ़ अनपढ़ मुझे पता है तू अनपढ़ है। अरे उनके सामने है ना डंडी लेके बैठ जाया कर। मेरे बापू भी मेरे सामने डंडी लेके बैठ जाया करते थे, तब जाके मैंने 7.5 दर्जा पास किया है।
भी तो दोनों को थोड़ा बहुत पढ़ा सकते हो। या तेरा मगज खराब है क्या? तुम भी दोनों को पढ़ा सकते हो। मैं 16 साल हो गए मुझे पढ़े हुए, बालकन ने कुछ ऐसी चीज पूछ ली कि जो मुझे ना आती हो, फिर तो क्या वक्त रह जाएगी मेरी उनके सामने। तुम भी पढ़ा लिया अरे। अब इसमें वक्त क्या चली जाएगी, उनकी अम्मा भी तो अपने पोते पोतियों से पढ़ा करती है। इसे कह मैं सठिया जाना, कोई सींग ना निकला। अच्छा सुनो। सुना? मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख लेती तो बहुत अच्छा रहता, ताकि गांव वाले कहते फिरे कि जयमल की मेंढकी को जुखाम हो गया, टर 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 करती पड़े यहाँ से वहाँ। या मुझे लेट करवा दिया, देख तू मुझे बातों में मत भूल जाए कर। चलते चलते तो तू थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी चाहवे है? तुम तो रात में देर से आने। हाँ रात को देर से आने वाला था, ताकि तू अपने यार को चिट्ठी लिख सके। ऐसा क्यों कह रहे हो? अनपढ़ होने का बहाना इसीलिए कर रही थी ना है? कि तेरा तेरे यार से टांका भिड़ा रवे। मैं कहूँ ननकू और मेरा हाथ जब पास पास हो, इतना अंतर क्यों? भगवान की कसम, ननकू जिन्नी की कसम। अरे चुप कर, ये भी पता चल जाए सच का। दिखा चिट्ठी, अगर तुझे लिखना आवे ना तो मुझे पढ़ना आवे। बस एक बार मेरा सच सही साबित होने दे, तेरा ये सर मुंडवा के कन्हैया पे बिठा के पूरा गांव में घुमाऊंगा। माँ 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 नमस्ते माँ, ये चिट्ठी बहुत परेशानी की हाल में लिख रही हूँ। मेरे झूठ से इस घर का भला नहीं बुरा हो रहा है। जहाँ लोग अनपढ़ होके पढ़े लिखे होने का ढोंग करते हैं, वहाँ मुझे पढ़े लिखे होकर अनपढ़ होने का ढोंग करना पड़ता है। मेरे सामने झिन्नी के पापा कोई बेवकूफ बना के 400 रुपए ऐंठ के ले जाता है और मैं चुप रहती हूँ। मेरे बच्चे मुझसे छोटी छोटी ई और बड़ी ई में अंतर पूछते हैं और मुझे सब कुछ जानते बूझते हुए भी चुप रहना पड़ता है। मेरी कलम बक्से में पड़ी बंद रहती है और मुझे जरूरी कागज पर अंगूठा लगाना पड़ता है। मैं दसवीं पास हूँ और 7 जमात पढ़े मेरे पति मुझे अनपढ़ कहते हैं। बताओ माँ, कल तक ये झूठ और नीलू आगे नहीं लिखा जाता। मुझे रुलाई आ रही है। अगर बीमा करने के नाम पे कुछ लोग इन्हें ठग न ले जाते तो मैं अपना दुखड़ा तुमसे कभी न रोती। आपकी बेटी पार्वती। तो तू 10वीं पास है? हाँ, मुझे माफ कर दो, पर अगर शादी से पहले तुम्हें पता चल जाता कि मैं तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ तो तुम मुझसे ब्याह करने से इनकार कर देते। तो तेरे घर वालों ने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें कभी शिकायत का मौका तो नहीं दिया। चल ठीक है, मैंने तेरे पे शक किया, वो भी तेरे चरित्र पे। देख बात बराबर रह गई, पर एक बात है पार्वती, गांव वालों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि तू पढ़ी लिखी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि तू मुझसे ज्यादा पढ़ लिख लो। मैं अब पढ़ूंगा इस उम्र में, और वो भी कल के पैदा हुए लौंडे लफाड़ों के साथ। फिर कभी धोखा तो नहीं खाओगे ना? धोखा? यूं बता, तैने ये चिट्ठी में यूं क्यों लिखा कि बीमा करवाने के नाम पर कोई मुझे ठग के ले गया 400 रुपए? क्योंकि तुमने उन लोगों को 400 रुपए देने से पहले
कुछ अता पता ही नहीं लिया उनका। है वो अमेरिका की कंपनी है। बाहर देश की किसी भी कंपनी को भारत में बीमा करने की अनुमति नहीं है। तुझे कैसे पता? ऑल इंडिया रेडियो। मैंने टीवी में समाचार में सुना था। वैसे भी जो चेक उन्होंने तुम्हें दिया था वो जाली है। वो कैसे? स्विस की स्पेलिंग सी से नहीं एस से होती है और बैंक की स्पेलिंग बी ए एन सी नहीं बी ए एन के होती है। अरे तू चुप रहियो बस। अरे गांव वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए ये सारी बात का। अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी बेइज्जती खराब रह जाएगी। पार्वती पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ जनता के कुछ सवाल है बेशक पूछे जाए। नारी पढ़ के क्या करेगी? घर परिवार का भला करेगी। गोबर उपला और मजदूरी ये सब है ना पढ़ने की मजबूरी। भाग में इसके चूल्हा चक्की नीत पढ़ाई में है तरक्की। मामी चाची मौसी ताई इन सब को भी है पढ़ना भाई। तुम दोनों भी आधा घंटा पहले तो स्कूल गए थे वापस आ गए। स्कूल बंद है। बंद है क्यों? माँ तो सात लोग नहीं आए हैं। मम्मी मम्मी स्कूल में ताला लगा था। वो स्कूल की दाई है ना वो कह रही थी कि उसे लंबी छुट्टियां हो गई है। लंबी छुट्टियां? अच्छा अच्छा चलो तुम दोनों अंदर जाओ कपड़े बदलो। एक बात कहूँ अगर तुम बुरा ना मानो। बात कब आएगी नहीं तो बुरा कहाँ से मानूंगा। गांव का स्कूल 15 दिन से बंद है। तो मैं जाके खोल दूं। बच्चों की पढ़ाई का हरज हो रहा है। उन्हें तू घर पे पढ़ावे तो है। गांव के दूसरे बच्चों की पढ़ाई का भी तो हरज हो रहा है। साफ साफ बोल तू कहना क्या चाहो है। अगर तुम नाराज ना हो तो मैं स्कूल जाके बच्चों को पढ़ा दिया करूं। इरे पागल है क्या? लोग क्या कहेंगे कि पढ़ी लिखी ब्याह के लाया था और बताओ अनपढ़ था। रामचंद्र जी ने सीता। नमस्ते दादी। नमस्ते बूढ़ी दादी। नमस्ते नमस्ते। इधर आ बेटा इधर आ। यहाँ बैठ तुझे रामचंद्र जी की कथा सुनाऊंगी। माँ ने हरी मिर्च मंगाई है और कहा है कि कल वापिस कर दूंगी। अच्छा अच्छा मैं अभी देती हूँ ठहर जा तू। स्कूल बंद होने से पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। दादी हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। मम्मी हमें हर रोज घर में पढ़ाती है। अरे क्या कह रहा ननकू तू? तेरी माँ को आ से अनार तो बोलना है ना। हाँ। है और तू वो पढ़ाएगी का खाक है और क्या। ले चल हरी मिर्च ले और जा। माँ को सब कुछ आता है। माँ को हिंदी इंग्लिश गणित सब कुछ आता है। इधर इधर तू सच कह रहा है? और क्या शाम को आके खुद ही देख लेना। और उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर दिया। फिर उसने कहा कि तुम चोरों में से। चोरों नहीं ध्यान से देखो क्या लिखा है। चारों मम्मी यहाँ पे तो चारों लिखा है। कैसी है पार्वती है क्या हो रहा है? नमस्ते ताई। हाँ नमस्ते। नमस्ते दादी। नमस्ते दादी। नमस्ते बूढ़ी दादी। नमस्ते बेटा। उधर हो जा रही है री। तू तो अपने आप को अनपढ़ कहती है हा? और अपने बच्चों को पढ़ा रही है। हाँ, वो ऐसा है मतलब ये रे अगर तू पढ़ी लिखी है तो तुझे का जरूरत है अपने आप को अनपढ़ समझने की है। हाँ, दसवीं पास है। दसवीं इतना ज्यादा होता है दसवीं। तू दसवीं पास है? हाँ अरे तो ये बात छुपाई क्यों तूने है? अब ननकू के पापा कहते हैं कि अगर गांव वालों को पता चलेगा कि मैं उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ तो उनके सम्मान को धक्का लगेगा। कहाँ है ससुर के नाती? अभी वहाँ के सम्मान पे दू लाठी रखती हूँ। दादी मैं उन्हें अपने आप समझा दूंगी। जब वो राजी खुशी मान जाएंगे तो उन्हें मेरे पढ़े लिखे होने पर गर्व होगा और मैं कोशिश करूंगी कि वो भी आगे पढ़ ले। ठीक है पर जरा जल्दी कर। तेरे पढ़े लिखे होते हुए भी अरे गाँव के बच्चे अनपढ़ हैं कितने शर्म की बात है। हाँ सही कह रही हो। जैसा आप लोग कहो। परदेश हम परदेसी हो गए टे 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 टे
पार्वती एक बात बता, यो अपना ननकू कै साल का है गो? इस बरसात में 7 बरस का हो जाएगा। पर लगा पट्ठा 8 का है। अरे कद काठी मेरे पे गई है, उम्र से बड़ा ही लगे अपनी। एक बात सोचू पार्वती। क्या? वाकू अरब देश भेज दू। अरब देश? हाँ अरब देश। आज चौपाल पे कर भी मिला, वाकी गैल एक अंग्रेजी तरज का हिंदुस्तानी भी था। दोनों कह रहे थे अरब अल्लखलका वल जाहितल स्कूल बड़ा मासूम बच्चा जल हिंद। वाह वाह क्या बात है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने अरब देश में भारत के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है। यू नो स्कूल माशाल्लाह तालिम मदरसा मिन अल जलाला वकाला अजीम आदमी। वाह 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 वाह, ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये आपके बच्चों को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। यू नो बड़ा आदमी। पर एक बात बताओ, के बगैर पासपोर्ट और वीजा के हमारे बच्चे अरब चले कैसे जाएंगे? हमने भारत सरकार से वीजा और पासपोर्ट पहले ही बनवा लिया है। हम कल आएंगे कैमरा लेके। यू नो कैमरा? फोटो फोटो फोटो। वो कैमरा लेके आएंगे और बच्चों की फोटो खींच कर पासपोर्ट पे लगा देंगे। माउल अबाउल नामुल वकाला जहाला बड़ा 20,000 रुपए हिंदी पेश और पेश गीत। क्या बात है जी, युवा जी जवाब नहीं है जी आपका। 20 ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी भी इन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों को अपने बच्चों को अरब देश भेजना है वो अपने अपने नाम लिखा दे ताकि हम उन्हें कल आकर के 20,000 रुपए बतौर पेशगी दे सके। कल कितने बजे आएंगे वो दोनों? दिन में 2 बजे आएंगे और शाम को बच्चन को लेकर दिल्ली चले जाएंगे। अरे परसों सुबह की फ्लाइट है। आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं अभी करके बताते हैं। बच्चों को वो लेकर जा रहे हैं। ताई देख लेना अभी तुम, तुम्हें भी पता चल जाएगा। पूरे गोरा अल काला अल पीला माशाल्लाह सुभान अल्लाह वल पुलिस अल भाग। अरे की कोशिश नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब ये दोनों हमारे बच्चों को अरब देश ले जा रहे थे उन्हें ऊंट की दौड़ में झोंकने के लिए। बोले बोले गांव वालों को पेट को पड़ावे टोपी उतार इसकी चश्मा उतार उतारेगा। यू तो वही निकला वो ये यू तो अरे यू भी वही दिखे मुझे तो लगे। अरे दरोगा जी इसकी तो दाढ़ी। मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं खुद ही उतार देता हूँ। अरे ये दोनों तो वही हैं जो 500 के नकली नोट छापे हैं और उन्हें काम वालों में चलावे। हाँ भाई नकली है, 20,000 की गड्डी नकली है। अरे पार्वती जी आज आपने 2 मामले सुलझा दिए, एक तो बच्चों के व्यापार वाला और दूसरा नकली नोट वाला। नकली नोट में अब आए पकड़ में मारा भोपड़ी उड़ा दे। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। रे पार्वती मैंने आज एक बात सोची है। क्या? देख जब तक नए मास्टर जी ना आ जाते ना तू गांव के बच्चन को पढ़ा लिया कर। सच? हाँ सच। और एक बात और है पार्वती। क्या? ये 7.5 दर्जा पढ़न में कुछ ना रखो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें आगे पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर एक शर्त पर पार्वती। वो क्या? तुझे भी मेरी गैल 12वीं की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन तुम्हारा मान। देख ये झूठे मान सम्मान का सबक मुझे मिल गया है पार्वती। जैसा तुम कहो। एक बात और रह गई। अब क्या? तुझे कैसे पता चला कि वो लोग बच्चों को अरब देश ऊंट की दौड़ खेले ले जा रहे हैं? मैं टीवी पर फिल्म और सीरियल के अलावा समाचार भी देखती हूँ, जितना हो सके देश विदेश की खबर रखती हूँ। बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी। टे 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 टे
जनता के सवालों का जवाब मिला? मिला क्या? नारी की शिक्षा, परिवार की शिक्षा। पढ़ी लिखी नारी अच्छे बुरे की खबर रखती है। नारी शिक्षा का अपमान नहीं सम्मान करना चाहिए। नारी शिक्षा से परिवार ही नहीं समाज का भी भला होता है। नारी शिक्षा में घर, गांव, प्रांत और देश का विकास निहित है।